अरे पर पेपर लीक हो गई ले, प्रदर्शन होला बीच बाजार, तनिको ना शर्मा ले, दसवा के चौकीदार तनिको ना शर्मा ले। चुनावी माहौल में सुरीली तान छेड़कर नेहा सिंह राठौर फिर से सुर्खियों में आ गई है। अरे भैया वही नेहा सिंह राठौर जिन्होंने यूपी में काब आगा कर योगी सरकार पर कटाक्ष किया था, लेकिन इस बार लोक गायिका ने मुख्यमंत्री या फिर किसी छोटे मोटे नेता पर सवाल नहीं उठाए बल्कि सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही तीखा तंज कस दिया। अगर आपने उनका सुरीला तंज नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। बतौर नेहा, चौकीदार को बीएचयू में सभा भी करनी है, चौकीदार को बीएचयू की बलात्कार पीड़ित पर चुप भी रहना है, चौकीदार को संदेश खाली भी जाना है, चौकीदार को मणिपुर पर चुप्पी भी साधे रहना है, चौकीदार किसानों की आमदनी बढ़वाने की बात करता है, चौकीदार को किसानों की हत्या भी करवानी है। ऐसे कैसे चलेगा चौकीदार जी? अपने गानों के जरिए राजनेताओं पर कटाक्ष की बौछार करने वाली नेहा सिंह राठौर का ये तंज भरा अंदाज एक्स पर देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कटघरे में ले लिया और अपनी हर एक लाइन में प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार शब्द का इस्तेमाल किया। वही शब्द जिस पर बीजेपी ने कभी इतना बवाल किया था कि मामला अदालत तक पहुँच गया था। खैर, चौकीदार तो पुरानी बात है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने अपने इस पोस्ट में हर उस बड़े मुद्दे को उठाया जिस पर काफी हंगामा मचा और पीएम ने उन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। नेहा ने कहा बीएचयू में पीएम ने जनसभा की लेकिन बीएचयू की छात्रा से रेप के मामले पर चुप रहे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न का मामला, मणिपुर हिंसा हो या फिर और किसानों से जुड़ा मुद्दा, नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री पर एक तीर से कई निशाने साध दिए। बता दिए कि पीएम मोदी बीते शुक्रवार को ही वाराणसी पहुंचे थे जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए जनसभा भी की थी। बस इसी जनसभा को निशाने पर लेते हुए लोक गायिका ने पीएम पर कटाक्ष कर दिया। अब इस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि पीएम पर कोई कुछ कहे वो भी इतना बड़ा वार तो भला बीजेपी के कद्दावर नेता कैसे चुप रह सकते हैं।